इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की तरफ से मैं डॉक्टर रमेश चंद्र अपने यूट्यूब चैनल के जितने भी हमारे श्रोता हैं उन सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि इग्नू का 2023 जुलाई सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। इस दिशा में आप सभी को एक सूचना देने के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने के माध्यम से हम लोगों ने एक सीरीज आज से शुरू की है, जिसमें हम आपको इग्नू के विषय में और इसके डिफरेंट स्कूल्स के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोग्रामों के विषय में अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से आपको सूचना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज का ये जो हमने सेशन रखा है इसमें हम आपको इग्नू के विषय में जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये विश्वविद्यालय किन कारणों से बनाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, किस प्रकार के सामाजिक वर्ग तक ये शिक्षा पहुंचा पाता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं जो अन्य विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं है, इन सभी के विषय में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही आपको किस प्रकार से इग्नू की वेबसाइट पे चीज़ों को ढूंढना है उसके विषय में भी आपको संक्षेप में बताएंगे और साथ ही साथ इस बात के लिए भी प्रयास करेंगे कि आपको एक ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है उसका एक आपको शॉर्ट डेमो दे सकें, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। इस प्रोग्राम में सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इग्नू क्षेत्र के अंदर खन्ना के सीनियर रीजनल डायरेक्टर मैडम डॉक्टर संतोष कुमारी जी, उनका इस प्रोग्राम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सबसे पहला सवाल जो हमारे श्रोताओं के मन में आ रहा होगा या जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं कि आखिर वो इग्नू में एडमिशन क्यों लें, ऐसा क्या है जो इस विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों से अलग करता है, इसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं और इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था जिससे सोसाइटी को एक बेनिफिट मिल पाए, इस विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद डॉक्टर रमेश चंद्र जी। सबसे पहले मैं अब सभी का इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से स्वागत करती हूँ और आज जो हमारा एक फर्स्ट कह लो इंट्रैक्शन है आप सभी के साथ, जुलाई 2023 सेशन का जो एडमिशन हमारा चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देना है। सबसे पहले जो है कि जैसे ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये क्यों इस्टेब्लिश हुई और कब हुई और इसकी क्या फीचर्स है, क्या विशेषताएं हैं जो कि इसको अलग करती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी है जिसमें है इसका जो कार्य क्षेत्र है पूरा देश है, एक नेशनल लेवल का है इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है। नेशनल लेवल के साथ साथ इसकी जो प्रेजेंस है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। जैसे कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये एजुकेशन आपको डिस्टेंस मोड से देती है। लाइक सबसे पहले जो क्यों इसकी जरूरत क्यों हुई, इसमें है कि जैसे आप मान लो कोई जॉब में है या किसी प्रोफेशन में है तो आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज और लाना चाहते हैं, वो कैसे आप लाएंगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रेगुलर क्लासेस जाकर कॉलेजेस वगैरह में जाएं, कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में जाएं। लेकिन इग्नू ही एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें है कि आप जॉब के साथ साथ पढ़ सकते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा है वो क्लाइंटेल जो कि कुछ ऐसे पढ़ना चाहते थे, कुछ ऐसी एजुकेशन लेना चाहते थे जो अपने टाइम में जो उनका जब स्टूडेंट लाइफ थी नहीं कर पाए, लेकिन अब वो अपने आप को और अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये यूनिवर्सिटी एक कह लो वरदान है। दूसरा वो लेडीज जो कि हाउसवाइफ्स हैं, घर में बैठे हैं लेकिन वो किसी कारणवश जब पढ़ना चाहती थी नहीं पढ़ पाई, लेकिन अब उनको ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि फैमिली में बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कई प्रकार के कह लो इकोनॉमिक आ जाते हैं कि तंगी आ जाती है जिसमें वो चाहती हैं कि अगर हम पढ़ लेते तो हो सकता है हम अपना इकोनॉमिक जो सोर्सेज है बढ़ा सकते थे, लेकिन इग्नू के थ्रू वो अपने हाउस का जो घर का काम कार करने के साथ साथ वो पढ़ भी सकती हैं, उनके लिए भी सारी तरह के अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं।
कहने का मतलब है कोई भी जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं और हायर स्कीम्स के एजुकेशन स्कीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी स्किल्स लाना चाहते हैं, वो इस यूनिवर्सिटी के साथ अपनी जॉब के साथ साथ अपने घर के कार्य के साथ साथ पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि दूसरी अगर आप कन्वेंशनल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं उसमें होता है कि इतना टाइम आपको क्लास लगानी ही है, लेकिन इसमें है कि टाइम पीरियड होता है, क्लासेस होती है लेकिन वीकेंड्स पे होती है या ऑनलाइन होती है, तो आप अपने जॉब के साथ साथ ये ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें है कि फ्लेक्सिबिलिटी है आपका प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। मान लो आपका एक साल का प्रोग्राम है तो आपको एक मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा जिसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। मान लो एक मिनिमम एक साल का या तीन साल का है तो मैक्सिमम टाइम एक साल के साथ साथ आप तीन साल में उसमें को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी डिग्री कोर्स है तीन साल का है तो उसको मैक्सिमम आप छः साल में कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा है आपकी कितनी कैपेसिटी है पढ़ने की, आपकी क्या पेस है, रफ्तार कैसी है, आपकी कितनी कॉम्पिटेंसीज है, उसके हिसाब से भी आप अपनी एज, स्टेज, पेस, ये सारी चीज़ों के हिसाब से पढ़ सकते हैं। दूसरा और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि मान लो आप कोई जॉब कर रहे हैं, आज पंजाब में है, कल आपका कहीं हिमाचल या कह लो गुजरात में आपका ट्रांसफ़र हो गया है, तो आप बाकी का मान लो एक सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया या दो सेमेस्टर कंप्लीट कर ले हैं, आगे की एजुकेशन को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उसमें हमारा चेंज ऑफ रीजन, जिसको रीजनल सेंटर कह सकते हैं, चेंज ऑफ स्टडी सेंटर्स, वो सारी फैसिलिटी है। कहने का मतलब है पूरा देश, पूरा नेशनल लेवल का जो कार्यक्षेत्र है आप कहीं भी कभी भी आप अपना चेंज करवा सकते हैं। ऐसे ही एग्जामिनेशन में है कि आप पूरे देश में कहीं आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, जहाँ आपका कोई भी किसी वजह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप अपना एग्जाम सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। ये है थोड़ी सी जो है लो की फीचर्स है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं यूनिवर्सिटी की, जो कि इसको दूसरी यूनिवर्सिटीज के हिसाब से अलग करती है। इसमें एक चीज़ और मैं मैडम ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि कई विद्यार्थी होते हैं उनका फर्स्ट ऑप्शन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड नहीं होता, वो रेगुलर स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं। रेगुलर स्ट्रीम में मान लीजिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई विद्यार्थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पढ़ना चाहता है तो अगर वो मान लीजिए पटियाला को बिलोंग नहीं करता है तो उसको पहली बात तो एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट या जो भी मेरिट लिस्ट एडमिशन प्रोसीजर है एक तो उससे गुजरना होगा, दूसरा वहाँ पर जो भी फीस है वो कंपेरेटिवली मच हायर है, दूसरी चीज़ अगर वो पटियाला को बिलोंग नहीं करते, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर पटियाला की बात कर रहा हूँ, उनको हॉस्टल लेना पड़ेगा, हॉस्टल की फीस भरनी पड़ेगी, मेस का खर्चा वहन करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक सामान्य विद्यार्थी जो कि मीडियम इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, और फिर आपको अपना घर छोड़ कर के सिर्फ पढ़ाई के लिए दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ता है, सबके लिए इतना अफोर्ड करना मुमकिन नहीं होता। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि आप घर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, इस सिस्टम में ये बहुत बड़ी सुविधा है कि आपको जो फीस है वो बहुत नॉमिनल लेवल पे पे करनी होती है, सारा
तो इस प्रकार की जो भी दिक्कतें सामान्य विद्यार्थियों को आती हैं वो इस सिस्टम में विद्यार्थियों को फेस नहीं करनी पड़ती और वो आराम से अपनी स्टडीज़ को घर बैठ करके या अपने जॉब करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें बहुत आवश्यक है जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, वो है आपके पास उम्र का कोई बंधन नहीं। अगर आप 40 साल के हैं, इवन आप 50 साल, 60 साल, 70 साल के हैं, आप कोई भी पर्टिकुलर विषय में अध्ययन करना चाहते हैं आउट ऑफ इंटरेस्ट ओनली, तब भी आप रेगुलर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के साथ तो बैठ करके उस क्लास में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करेंगे, जबकि आप घर पर बैठ करके बुक्स अगर आपको मिल जाती हैं तो आप आराम से अध्ययन करके अपनी चॉइस के एग्जाम सेंटर पे अपीयर हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो सुविधाएं हैं वो किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में नहीं मिलेंगी। और जैसा कि मैडम ने कहा कि इसका नेशनल स्ट्रक्चर है इस यूनिवर्सिटी का, तो इसमें आपको अगर किसी भी वजह से कहीं ओरिजिनल रीजनल सेंटर से हट के कहीं और जाना पड़ता है, इवन आउटसाइड द रीजनल सेंटर जोरिस्डिक्शन, तब भी आप एक सिंपल एप्लीकेशन अगर रीजनल सेंटर को भेज देते हैं तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर चेंज कर दिया जाता है। तो एग्जामिनेशन के लिए आप ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। ठीक है, आपको मैं इग्नू की वेबसाइट के बारे में ज़रा सा कुछ दिखा देना चाहता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वही मैं थोड़ा सा और एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि जैसे ये कंपैरेटिवली और यूनिवर्सिटी से इग्नो में फीस बहुत ही कम है। कोई भी जो है कह लो कि एज ग्रुप का, कोई भी कास्ट का, कोई भी इकोनॉमिक सोशल स्टेटस का, वो इग्नो में एजुकेशन लेने के लिए मीन्स वो अफोर्ड कर सकता है। तो ये जैसे है कि आपने जो फी दी है तो उसमें ही आपको बुक्स भी दी जाएंगी, उसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है इग्नो में। 3500 रुपये में अगर बीए के फर्स्ट ईयर की फीस है जिसमें बुक्स की कीमत भी शामिल है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अफोर्डेबल एजुकेशन किसी विद्यार्थी के लिए कहीं भी उपलब्ध हो पाएगी। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इग्नो की वेबसाइट क्या है, www.igno.ac.in। ज़्यादातर कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि कौन सी हम ये देखें वेबसाइट देखें, ये आपके सामने खुली है तो इसको काइंडली आप देखिए। ये इग्नो की वेबसाइट है, जैसे कि मैडम ने बताया igno.ac.in। एक्चुअली बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की वेबसाइट है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बस आपको राइट एरियाज में क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर से नीचे तक काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है जनरल पब्लिक के साथ। इन जनरल जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपके होम पेज में ऊपरी थी होती हैं, जैसे कि इस समय कुछ रिजल्ट्स भी हैं, कुछ आपके ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आप जैसे इस समय फ्रेश एडमिशन के लिए अगर क्लिक करना चाहें तो ये जुलाई 2023 एडमिशन की लिंक खुल जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें इसमें सब आपको दी गई होंगी। आप इसमें डाउनलोड्स में जाएंगे तो आपको हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा जिसको मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड किया हुआ है। ये जो जुलाई 2023 के लिए आपका प्रॉस्पेक्टस इग्नो की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसमें डिफरेंट लेवल्स के प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर सर्टिफिकेट और अवेयरनेस लेवल तक के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके विषय में आपको डिस्क्रिप्टिवली बताया गया है। ये इसमें कंटेंट्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है विभिन्न पेजों पर। इवन वो स्टूडेंट्स जो मान लो किसी कॉलेज वगैरह में ऑलरेडी कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, वो साथ साथ इग्नो से भी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट डिप्लोमास कर सकते हैं, क्योंकि अब यूजीसी की तरफ से अलाउड है कि आप डिस्टेंस मोड्स के साथ भी कर सकते हैं और कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ भी कर सकते हैं। वो साथ साथ मैडम दो डिग्रीज को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बस उसमें नियम ये है कि एक डिग्री आपकी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से होगी, दूसरी आपकी दूसरे किसी यूनिवर्सिटी से हो सकती है। किसी वजह से अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी जैसे कि इग्नू से दो प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग सेशंस में एडमिशन लेना होगा, एक ही सेशन में आपका दो प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं होगा। जैसे जुलाई 23 में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो किसी दूसरे प्रोग्राम में आप जनवरी 24 में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये विभिन्न प्रोग्राम्स हैं जैसे कि मास्टर्स लेवल के हैं, और कितने डिफरेंट फील्ड्स में इग्नू मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री दे रहा है आपके सामने है। ये पीजी डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स, कहने का मतलब है जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें इंटरडिसिप्लिनरी ये सारा को ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दी गई है।
मान लो आप ग्रेजुएशन भी करना चाहेंगे तो उसमें भी कितनी ऑप्शंस है जो आपकी चॉइस ऑफ क्रेडिट्स है वो आप ले सकते हैं, उसमें काफ़ी ये आप कोर्सेज दिए गए हैं। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं मैडम जो हमारे श्रोताओं के सामने हैं, आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट फील्ड्स में एक नॉर्मल डिग्री कोर्सेज को ऑफर करता है। इसके अलावा ऑनर्स लेवल के भी कई कोर्सेज हैं जो अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहें तो उनके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, इस टाइप के डिसिप्लिन स्पेसिफिक बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स भी इग्नू ऑफर करता है। इन सब चीज़ों में जो भी हमारे श्रोता या उनके कोई भी जान पहचान के लोग इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो आप उन तक ये सूचना पहुँचा सकते हैं। तो ये हमारा इग्नू का पर्सपेक्टिव है, इसमें आप जिस भी प्रोग्राम के विषय में जानना चाहें करस्पॉन्डिंग पेज पर आप जा करके उसके विषय में विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। एक टाइम था जब था कर लो कि कन्वेंशनल मोड था कि आपको पहले जाना होता था, प्रोस्पेक्टस परचेज करना होता था, फिर किसी कारणवश आप नहीं भी जा पाते थे क्योंकि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। अब तो हर एक चीज़ आपके घर में ही है ना, इसका मतलब है कि हर एक चीज़ अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है। आप कभी भी टाइम जब आपको मिले आप इसको काइंडली गो थ्रू कीजिए और डिटेल्स लीजिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत ही विस्तार पूर्वक इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। अब हम चूँकि इग्नू के बारे में लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचा चुके हैं तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे साथ हमारे जो सहयोगी पिनाक जी जुड़े हुए हैं मैं उनको आमंत्रित करूँगा कि वो अभी आप सभी लोगों के सामने एक संक्षेप में डेमोन्स्ट्रेशन दे कि वो किस तरह से कोई भी जो हमारा प्रोस्पेक्टिव लर्नर है वो ऑनलाइन इग्नू के किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पिनाक जी, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है और आप हमारे जो भी श्रोता हैं उनको इस विषय में जरा विस्तार से जानकारी दीजिए कि किस तरह से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जा करके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपसे। जैसे कि पहले ही मैडम और सर आप सभी को बता चुके हैं कि जो हमारी मेन वेबसाइट है www.ignu.ac.in, तो एडमिशन के अप्लाई करने के लिए हम ये पेज ओपन करके रजिस्टर ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है और नीचे हम देख सकते हैं कि फ्रेश एडमिशन, फ्रेश एडमिशन को जब हम क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमें पहले अपना न्यू लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा और यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस दो दी गई हैं जैसे कि लास्ट डेट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको पहले ही तैयार रखने हैं ताकि टाइमली और स्मूथली आपकी एडमिशन जो है वो अप्लाई हो सके। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज हम खोलेंगे तो इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट की प्रोवाइड की जाएगी। आपका यूज़र नेम आप कोई भी रखना चाहें तो आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे और 10-डिजिट मोबाइल नंबर। यहाँ पर एक बात बताने योग्य ये है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कोशिश करिए कि स्टूडेंट अपना ही प्रोवाइड करे, चाहे वो एडमिशन खुद से कर रहा है और चाहे किसी इंटरनेट कैफे से कर रहा है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड भी आप यहाँ अपना बड़ा सेफली अपने पास रखेंगे क्योंकि एडमिशन कन्फर्म होने के बाद सारा प्रोसेस आगे उसी से फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने एक पहले ही लॉगिन आईडी क्रिएट कर रखी है तो थोड़ा सा डेमो प्रोवाइड करेंगे आपको कि कैसे आपको एडमिशन इग्नू में ऑनलाइन अप्लाई करनी है। मैंने अपना रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड फिल किया और ये पेजेज हैं जो आपके सामने खुलेंगे। इसमें थोड़ी पर्सनल डिटेल्स हैं तो जैसे कि बेसिक डिटेल्स हैं आपका नाम, मदर्स नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप देख सकते हैं। मैंने जनरली ऐसे ही फिल किया तो आप अपनी डिटेल अच्छी तरह से बिल्कुल करेक्ट डिटेल फिल करनी है यहाँ पे।
और नेक्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, आप कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, बैचलर है, मास्टर्स है, जो भी आप फील्ड चूज करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। और याद रहे कि 22 खन्ना हमारा रीजनल सेंटर का कोड है 22, और स्टडी सेंटर भी आप कोई सा कौन सा चूज कर सकते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट है। और नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन, अगर आप कोई बैचलर्स का कोर्स कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन प्लस टू होगी, और इन केस मास्टर्स है तो उसकी ग्रेजुएशन, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपने मार्क्स फिल कर लेने हैं। जैसे कि हमने नॉर्मल कोर्स बीए की बात कर रहे हैं, बीए कोर्स ऑप्ट किया तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे कोर्सेज भी सिलेक्ट किए हैं, उसके कौन सी स्ट्रीम में आपको आगे स्टडी करनी है। जैसे हमने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी ऑप्ट किया, आप कौन सी भी स्ट्रीम है जो ऑप्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आप ऊपर देख सकते हैं लिख के आ रहा ऑप्टेड फॉर सॉफ्ट कॉपी। इग्नू दो टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आप तो या तो स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में ले सकते हैं या फिर डिजिटल फॉर्म। अगर डिजिटल फॉर्म में लेते हैं तो आपको प्रोग्राम फीस में 15% का डिस्काउंट मिलता है, तो ये भी बड़ी ऑप्शन, बड़ी ध्यान से आप चूज करें। नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं हम अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल्स, ये भी बड़ा ध्यान से भरने वाला कॉलम है ये, क्योंकि जो अगर आप प्रिंटेड मटेरियल ऑप्ट करते हैं तो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपके एड्रेस पे आएगा, इसीलिए आपका एड्रेस बड़ा सही तरीके से भराना चाहिए, पिन कोड वगैरह डिस्ट्रिक्ट सब अच्छी तरह से भराना चाहिए। और नेक्स्ट में हम देखते हैं अपलोड सेक्शन, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर 10th और 10+2, क्योंकि हमने बीए चूज किया है, अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट भी आगे ऐड हो सकते हैं इसमें, तो मैंने पहले से ही कुछ साइज के अकॉर्डिंगली इसमें अपनी इमेजेस अपलोड कर रखी हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट में हम देखते हैं कि प्रीव्यू का सेक्शन आता है, तो अगर इन केस यहाँ पे भी किसी को लगता है कि पिछले किसी भी कॉलम में स्टूडेंट से कोई मिस्टेक हो गया, तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं मॉडिफाई द सेक्शन की ऑप्शन आ रही है, तो किसी भी सेक्शन को यहाँ से मॉडिफाई किया जा सकता है। सारी ऑप्शंस यहाँ पे फिल करके लास्ट में हम आई एग्री के ऑप्शन दबा के एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली लिख के आ जाता है आफ्टर सबमिशन नो चेंजेस आर अलाउड। तो इससे पहले एक बार हम चाहेंगे कि दोबारा से आप एक बार अपने फॉर्म पे ध्यान से देख लीजिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना भरी हो, तो नेक्स्ट में कोई सा भी पेमेंट गेटवे चूज करके हम अपनी फीस पे कर सकते हैं और इग्नू में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा डेमो समझ में आया होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विनाद जी। उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आपको किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है एडमिशन प्रोसेस के लिए। आपने एक चीज़ कही कि स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, तो मैं जरा सा अपनी स्क्रीन शेयर करके स्टूडेंट्स को ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये इग्नू की वेबसाइट है, इसमें एक लिंक दिया गया है ई ज्ञान कोश, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम्स जो मेन है उनका स्टडी मटेरियल तो होम पेज पे ही दिया गया है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी एम ए हिस्ट्री के लिए ऑप्ट करता है जिसका कोड MAH है, तो हम सर्च कॉलम में MAH लिखेंगे तो आप देखेंगे सीधे एम ए आर्ट्स हिस्ट्री का मटेरियल इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ डाउनलोडेबल स्टेट में। आपको इसके लिए किसी भी यूज़र आईडी या पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं, ये एक ओपन एजुकेशन रिसोर्स के तौर पर इग्नू वर्ल्ड के किसी भी सिटीजन के लिए ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आया है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जिसको कि अवेल करना मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि किसी भी प्रकार के आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। इवन इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू बी अ लर्नर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आप किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो ये क्वालिटी मटेरियल आपके जस्ट फिंगर टिप्स पे है जिसको कि आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी और पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए।
ये तो एक बहुत बड़ी सुविधा है इस यूनिवर्सिटी की, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि ये इन्फॉर्मेशन जैसे हमने आपको दी है आप आगे इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि औरों का भी फायदा हो जाए उन, क्योंकि ज्यादातर हम देख रहे हैं बहुत पढ़े लिखे लोग भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हम जैसे मान लो एडवर्टाइजमेंट भी होती है ऑनलाइन में, ये चीज़ें हैं जो हम अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, लेकिन जब तक हम उसको गो थ्रू नहीं करेंगे तो वो चीज़ें ऐसी की ऐसी पड़ी रहेंगी। जैसे इसलिए हमारा मेन मकसद है हम आपको बताएं कि ये चीज़ें अवेलेबल है, इतनी फैसिलिटीज़ है इस यूनिवर्सिटी में, जिसका कि आप फ़ायदा लें और औरों को भी बताएं। इन एडिशन टू इग्नू मेन वेबसाइट, रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से हम लोगों ने कुछ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप किए हैं, तो उनके विषय में भी मैं आपको ज़रा सा अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देना चाहता हूँ कि आप देख सकें कि ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक का अकाउंट है और हमारा ट्विटर का हैंडल है। इसके अलावा हमारी इग्नू के होम पेज के ऊपर ही रीजनल सेंटर का नेटवर्क दिया गया है, जिसमें आप डिफरेंट रीजनल सेंटर्स के लिंक्स पे जा सकते हैं। उसमें रीजनल सेंटर खन्ना की भी अपनी एक खुद की वेबसाइट है, सारी रीजनल सेंटर्स की अपनी एक यूनिफॉर्म टाइप की वेबसाइट्स है, जिस पर वो डे टू डे बेसिस पे अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं। तो इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी आप अगर फॉलो करते हैं तो भी आप इग्नू को फॉलो कर पाएंगे, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको एडमिशन के बाद भी लगातार आपके मोबाइल पे, आपके सिस्टम पे आपको लगातार मिलती रहेगी। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर कर देना चाहता हूँ, अगर आप हमसे टेलीफोनिकली कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मंडे टू फ्राइडे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 01628 खन्ना का एसटीडी कोड है। यहाँ पर हमारे दो लैंडलाइन सर्विसेज मॉर्निंग टू इवनिंग अवेलेबल होती हैं, जिसमें 1:30 से लेकर 2:00 तक हमारा लंच टाइम होता है। तो मंडे टू फ्राइडे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सैटरडे संडे आप संपर्क हमसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा ऑफिस उस दिन बंद होता है, या इवन किसी गेस्टेड हॉलीडे के दिन भी इन फोन पे संपर्क नहीं हो पाएगा। तो मैं फ़ोन नंबर आपको बता देना चाहता हूँ, 01628, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये खन्ना का स्टडी कोड है। इसके अलावा जो दो नंबर्स हमारे चल रहे हैं, दे आर 237361 and 22993। आई रिपीट, 01628 इज द स्टडी कोड, 237361 and 22993। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको इग्नू के विषय में बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन शेयर की, और साथ ही आपको इग्नू की वेबसाइट के विषय में जरा सा जानकारी दी, और संक्षेप में आपको एक डेमोंस्ट्रेशन दिया कि किस तरह से कोई भी प्रोस्पेक्टिव लर्नर इग्नू के वेबसाइट पर जाकर के किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। मैं इस प्रोग्राम में आने के लिए अपने सीनियर रीजनल डायरेक्टर मैडम डॉक्टर संतोष कुमारी जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी के साथ हम लोग इसी प्रकार से विभिन्न प्रोग्राम्स को रह रहकर आपके सामने लाते रहेंगे, जिसमें इग्नू के द्वारा जुलाई 2023 सत्र के लिए डिफरेंट स्कूल्स की तरफ से जो डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, तो हम स्कूल वाइज आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर के इन फ्यूचर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, नमस्कार।